पर राम मंदिर पर बोले हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दों के लिए 370 सीटें होना जरूरी है, कोर मुद्दों के लिए 370 सीटें चाहिए, अमित शाह ने कहा है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि कोर मुद्दे के लिए हमारे पास बहुमत नहीं है, तो कोर मुद्दे के लिए 370 सीटें होनी चाहिए, अमित शाह ने कहा है। उन्होंने कहा कि कोर मुद्दे के लिए हमारे पास बहुमत नहीं है। तो राम मंदिर पर बोले हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। उन्होंने कहा कि कोर मुद्दे के लिए 370 सीटें होनी चाहिए और कोर मुद्दे के लिए हमारे पास बहुमत नहीं है। बता दें आपको, मुख्य मुद्दों के लिए 370 जो सीटें हैं वो होनी जरूरी है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। संतोष पाठक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। देखिए बिल्कुल प्राची, और ऐसा लगता है कि शायद अब बीजेपी नेताओं को आदत हो गई कि हर बार वो एक नया टारगेट सेट करके जनता से अपील करते हैं। याद होगा इससे पहले के लोकसभा चुनावों में जब बातचीत की जाती थी कि आपका समान नागरिक संहिता की बात हो, 370 की बात हो, या फिर राम मंदिर की बात हो, तो बीजेपी का यह कहना था कि बहुमत हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते। लोकसभा में पूरा बहुमत जनता ने उनको दे दिया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 370 सीटें जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है। तो शायद कह सकते हैं कि एक स्केप रूट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी खुद ही जानती है कि वर्तमान राजनीतिक माहौल में इन तीनों चीजों को लागू कर पाना उसके लिए आसान नहीं है। जी प्रचित जी बिल्कुल संतोष, और बार बार ये देखा गया है कि बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर आती है ताकि बार बार जनता के बीच में जो अपनी पकड़ है वो बनाए रखे और फिर से एक बार राजनीतिक मुद्दे बनाने की कोशिश से की जाती है। देखिए बिल्कुल कहती है, भारतीय राजनीति का जो स्वरूप है, और खासतौर से अगर राम मंदिर की बात कर ली जाए, तो कांग्रेस ने जो राजीव गांधी के समय जब पाला खुलवाया था, उसके बाद जिस तरह से राम मंदिर का पूरा आंदोलन चला और जो गठबंधन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से ही तकरीबन बीजेपी ने उसको फंडे रस्ते में डाल रखा है। भले ही एक दो चुनाव में घोषणा पत्र में जरूर शामिल कर रखा है, लेकिन वो भी जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से इसको लागू कर पाना संभव नहीं है। कश्मीर मुद्दे में अगर 370 की बात करें, गठबंधन सरकार है वहाँ और वहाँ की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी ज्यादा उस पर निगरानी रखी जाती है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, खासतौर से ऐसे माहौल में जब आप का जो मेजर अलायंस पार्टनर है वो कश्मीर घाटी से बिलोंग करता है। और समान नागरिक संहिता चूंकि कई तरह के अड़ंगे वाली सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर आदेश दे रखा है, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं बल्कि देश के दो तिहाई राज्यों से भी आपको अनुमोदन करवाना पड़ेगा। तो ये व्यवहारिक स्थिति है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझ रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं है, क्योंकि 10-15 साल बिल्कुल। संतोष अपनरी हमारे साथ सपा प्रवक्ता सीपी राय जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाचार प्रेस में क्या प्रतिक्रिया देंगे आप अमित शाह के इस बयान पर? देखिए हम लोगों को इनके बारे में कभी गलतफहमी नहीं थी जी, इनका सत्य अपने आप बाहर आ जाता है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि इन लोगों का विश्वास फासीवाद में है जी, भारत के संविधान में इनका विश्वास नहीं है, न इनके कानून में है जी, बल्कि इनकी गीता इनका संविधान गोलवर्कर जी की किताब है जी। गोलवर्कर जी इनके आदर्श थे और गोलवर्कर जी का कहना यह था कि दुनिया में एक ही आदर्शवादी हुआ है, उसका नाम है हिटलर, और हिटलर की राज व्यवस्था को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया था जी। आप देख लीजिए, जो हिटलर की टोपी थी वही आरएसएस की टोपी है, जो हिटलर की वंदना करने का या अभिवादन करने का तरीका था वही तरीका है, जो हिटलर की बेल्ट थी वही आरएसएस की बेल्ट है, सारे तौर तरीके हिटलर वाले हैं। वो इनका अंदर से कभी कभी अचानक फूट पड़ता है। जब कभी संसद में बहस होती है, लोकतंत्र के मंच पर बहस होती है जी, तो अपनी कमजोरी के कारण ये उस वक्त लोकतंत्र में विश्वास की बात करते हैं और विवादास्पद मुद्दों को छोड़ने की बात करते हैं जी। लेकिन कहां पे दबा सकते हैं अपने सच को? वो सब आज फिर छुपूट निकला है। सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है मामला राम मंदिर का जी। राम मंदिर को जब इनकी प्रदेश में सरकार थी, देश में सरकार थी, इन्होंने कभी छुआ नहीं, उसका हजारों करोड़ रुपए का चंदा खा गए ये लोग। राम से इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि राम को ये जानते नहीं है। राम इनके लिए नफरत का एक कारण है, दंगे का एक कारण है, उसको दंगे और नफरत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वही काम अभी भी कर रहे हैं। अमित शाह साहब ने जो बयान दिया है वो इनकी सच्चाई है, वही इनकी असलियत है, और इस असलियत और सच्चाई से देश को आगाह रखना चाहिए। क्यों राम मंदिर के लिए 370 सीट मांग रहे हैं? ये देश का संविधान बदलने के लिए 370 सीट मांग रहे हैं। इनको मालूम है कि दो तिहाई बहुमत जब सब जगह होगा, प्लस आधे से एक ज्यादा प्रदेश में इनकी सरकार होगी, ये संविधान को बदल सकेंगे, एक पार्टी के शासन को लागू कर सकेंगे और अपनी जो फांसीवादी इनकी परिकल्पना है उसके आधार पर हिंदू राज या जो भी कहिए उस सरकार को बना सकेंगे। वो इनकी असली सोच है, वही इनका असली लक्ष्य है, और हिंदुस्तान को उसके प्रति चौकन्ना रहना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ जी। सीपीआई जी, इस बात पे आप क्या कहेंगे? चलिए ये तो बात रही बीजेपी की, लेकिन सिर्फ बीजेपी की बात हम ना करें, सभी तमाम अधिकतर जितनी भी राजनीतिक दल हैं, सभी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर लेके आते हैं जो कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं से जुड़ा होता है और इससे अपने राजनीतिक मायने साधने की कोशिश की जाती है।
देखिए, अगर राम मंदिर जनता का मुद्दा होता तो जनता राम मंदिर के लिए सड़कों पर होती जी। एक बार इन्होंने उसका उभार बना दिया था, नफरत फैला दी थी, उसके बाद आप राम मंदिर के बाद पहले बात करिए। हम लोग तो तब भी कहते थे कि एक मंदिर क्यों, रामचंद्र जी जिसको हम कहते हैं कि कण कण में व्याप्त है, उनको आप 50 फुट या 100 फुट के घेरे में क्यों बांध रहे हैं। हर घर में राम मंदिर बना दीजिए, हर दिल में राम मंदिर बना दीजिए, लेकिन उसमें उनका यकीन नहीं है सर, क्योंकि तब राम के आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। इन लोगों का तरीका ये, क्योंकि उनके पास कोई सोच नहीं है, उनके पास भविष्य के प्रति कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए वो आज काल की चीजों को लेकर के और नफरत की चीजों को लेकर के अभी तक राजनीति करते रहे हैं और वही कर रहे हैं। बाकी दलों का सवाल है, मान लीजिए कोई दल किसान का मुद्दा उठाना चाहता है, ठीक है, किसान के मुद्दे पर कुछ तो होगा, वो मुद्दा है, किसान की बदहाली मुद्दा है, बेरोजगार की बेरोजगारी मुद्दा है, गरीब की गरीबी मुद्दा है। अगर वो मुद्दा कोई बना रहा है तो हमें उस मुद्दे पर ऐतराज नहीं है, ये भी बनाए, हम उस पर ऐतराज नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर मस्जिद नफरत हिंदू मुसलमान जी बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे राजनीति साधने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस में। आप क्या इस पर प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जहां तक इन लोगों का मामला है, ये मार्केटिंग में बहुत अव्वल दर्जे के लोग हैं बीजेपी वाले, इनका कहना कुछ है करना कुछ है जी। जहां तक इनका एक साल का कार्यकाल है जी, उसमें ना तो गरीबों की कोई एक भी योजना अगर ये बता दें जी, जहां तक ये पेंशन और दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो उसमें सरकार का कोई अंशदान नहीं है, वो तो उसी आदमी को देना जिसका बैंक में अकाउंट है जी, तो सरकार की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। और ऐसी योजनाएं विभिन्न बैंक वाले चलाते हैं जिनके अपने अकाउंट हों बैंकों में, उन लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलती हैं जी। तो कुल मिला के जिस तरीके से एक साल के कार्यकाल में इन्होंने परिचय दिया है अपनी पूंजीवादी सोच का, उससे इस देश का 65% आदमी त्रस्त है। किसानों का ले लें आप, लैंड ऑर्डिनेंस इन्होंने चेंज किया है जिसमें कई ऐसे क्लॉजों को इन्होंने डाइल्यूट किया है जिससे इस देश का किसान और गरीब के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। तो कुल मिला के इनकी कथनी और करनी जी, किसान और गरीबों की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, बात अगर कांग्रेस की करें तो चलिए एक साल अभी बीजेपी को हुआ है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब किसानों के हित के बारे में कितना काम हुआ था, तब गरीबों के लिए कितना सोचा गया था? देखिए, 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था वो कांग्रेस की ही देन है, और जहां तक आप कह रही हैं 60 साल कांग्रेस रही है, तो राजीव गांधी इस देश में सूचना क्रांति को लाए, इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। उस वक्त आरएसएस के लोग बचा करते थे इस बात को कहने से कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि देश का विकास ना हुआ हो। 33 करोड़ की आबादी हुआ करती थी जब देश आजाद था, और आज 125 करोड़ की आबादी है। संसाधनों के अभाव के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने जिस गति से इस देश को आगे ले जाने का काम किया है, ये कहना बड़ा आसान है कि 7 साल में कुछ नहीं हुआ। आप सूचना क्रांति में देखिए, एजुकेशन में देखिए, ऐसी बात बिल्कुल जी। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, जब बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है तो वही लगातार विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।